पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नहीं, जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसा आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल संपन्न हुए हैं, 10वां साल प्रारंभ हुआ है और एक महीना लंबा ये एक अभियान भी है ताकि लोगों को बीच में जाकर के स्वयं भी हमें एहसास हो और लोगों को भी एहसास हो कि मोदी जी ने कितने अद्भुत कार्य किए हैं, विकास को लेकर के, समाज सुधार को लेकर के। जो वर्ग पिछली सरकारों की प्राथमिकता से छूट गए थे उनके उत्थान के लिए, और उन्हीं कार्यक्रमों के अंतर्गत एक श्रेणी थी विकास तीर्थ, यानी मोदी जी के जो विकास के स्मारक है, जो आधुनिक भारत के स्मारक है, न्यू इंडिया के मॉन्यूमेंट्स जिसे कहा जाता है, वो एक तीर्थ समान है। और ये मुरादाबाद में ये पुल सोनकपुर का, जिसकी बड़े लंबे समय से मांग थी, इसके ना होते हुए बहुत असुविधा रहती थी लोगों को, रेल की आवाजाही के कारण भी, अन्य कारणों से भी। तो इस पुल के निर्माण से जहाँ रेल की आवाजाही भी सुचारू हुई, वहाँ पर वाहनों का चलना और वैसे आना जाना इस तरफ से दूसरी तरफ सरल भी हो गया, समय भी बचा और आधुनिक ढंग से निर्माणित ये पुल अपने में एक इंजीनियरिंग जो हमारे पास नवाचार है इस समय, उसका भी एक नमूना है, उदाहरण है। सर, समाजवादी पार्टी के यूं तो 3 सांसद हैं यूपी में और अभी 80 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। नहीं तो उनसे पूछिए, जब जीतेंगे देखी जाएगी, तब पूछिएगा। जब जीतेंगे तब पूछिएगा ना, अभी तो नहीं जीते। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।